पर दिल्ली के प्रगति मैदान की सुरंग वाली सड़क अरबों रुपए पहले ही बरसात में नहर बन गई है। पीएम ने कुछ दिन पहले ही टनल का किया था लोकार्पण। झमाझम बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी। पीएम ने कुछ दिन पहले ही टनल का किया था लोकार्पण और झमाझम बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश ने पोल खोल दी है दिल्ली के प्रगति मैदान की सुरंग वाली सड़क अरबों रुपए पहले ही बरसात में नहर में बन गई। पीएम ने कुछ दिन पहले ही टनल का किया था लोकार्पण। प्रिंस जसवाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, झमाझम बारिश से नगर निगम ने पोल खोल दी है। दिल्ली में पहली बारिश में ही तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है प्रिंस? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से। जी 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 बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। एक तो दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास की, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को वहां पे जाकर उद्घाटन किया था। महज थोड़ी सी बारिश ने उस अंडरपास के पास में इतनी पानी भर दिया कि लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लापरवाही खास तौर से सामने आती है। अब बात यही नहीं, आप एक दृश्य दिखाएंगे दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट यानी किराड़ी विधानसभा की, जहां पे तमाम लोग नेता रहते हैं, वहां लोगों को अभी भी परेशानी हुई। हालांकि गर्मी से राहत जो है मिल चुकी है लोगों को, दिल्ली वासियों को। महज बारिश ने पूरा कहर और आफत मचा के रख दिया, यानी घर से निकलना आप दुश्मार हो चुका है। आप अंडरपास से जो है सही से गुजर नहीं सकते, क्योंकि लाखों खरबों रुपए लगा करके अंडरपास को बनाया गया और उसका उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और वहां का हालत और अर्थव्यवस्था अगर ऐसे दिखे तो प्रशासनिक तौर पे क्या सवाल उठता है दिल्ली नगर निगम पे और पीडब्ल्यूडी पे और वहां के सांसद हो या विधायक या निगम पार्षद। जी बिल्कुल प्रिंस, इसी खबर पर आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, साप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रभु चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहली बारिश में झील बनी है दिल्ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रिंस, पहली बारिश में दिल्ली झील बनी, हालांकि बारिश से लोगों को काफी राहत है, लेकिन नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गर्मी से राहत मिली है दिल्ली वासियों को, महज कहीं ना कहीं अगर बात करें कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो वो यानी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की अधिकारियों की जो पोल खोलती नजर आ रही है ये पहली बारिश। हालांकि अभी बारिश सही से हुई नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। महज थोड़ी सी बारिश ने अंडरपास में और दिल्ली के रोहिणी के किराड़ी विधानसभा में जिस तरीके से पानी यानी झमाझम पूरा बारिश बाढ़ की तरह तब्दील हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलती है। और यही पोल खोलने का कारण ये है कि जिस तरीके से सभी
तरीके से मैं आप हम लोगों ने दिखाया के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों की लापरवाही सामने आई है, पीडब्ल्यूडी हो चाहे नगर निगम हो, चाहे वहां के स्थानीय सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, ये सभी दोषी हैं। यानी अंडर पास के अंदर जो है पानी भर जाना, ये कहां पे बात थमती है? यानी इसका जिम्मेदार सिविल इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है या नगर निगम का जो आला अधिकारी है, यानी तो इनका कमी कहां पे आई? यानी 19 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रगति मैदान कॉरिडोर का जो अंडरपास उसका उद्घाटन करते हैं, यानी आज 5 से 8 दिन के अंदर वहां पे बारिश आती है और पानी भर जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की। जी बिल्कुल, और डिप्टी सीएम के घर के बाहर भी पानी भरा है, जिन्हें आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जो अंडर पास है उसी के ठीक सामने जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का घर है, जो कि अंदर तक पानी पूरा जमा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है उनके घर का, और हालांकि लगातार जो है टोल कसे जा रहे हैं, लेकिन महज कहीं कहीं जो पानी भरने का मुख्य कारण है इसको जो है जगह क्यों नहीं दी जा रही है, यानी इनका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा है, डिप्टी सीएम के घर के बाहर भी पानी भरा है, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पानी भरा है, और आने जाने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं।